गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम साइंस की कक्षा में बायोलॉजी के अगले अध्याय को आगे बढ़ाते हुए कोशिका के बारे में, कोशिका के मेन पार्ट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सेल के बारे में मैंने कल ही बताया था आपको, सेल के बारे में बताया कि सेल जो होती है वो दोनों में हो सकती है, प्लांट में हो सकती है और एनिमल में होती है, होती सकती नहीं, दोनों में होती है। एनिमल सेल और एक होती है प्लांट सेल। क्या होती है? प्लांट सेल, ठीक है। एक होती है एनिमल सेल और एक होती है प्लांट सेल। अब एनिमल सेल प्लांट सेल इसको बोलते हैं जंतु कोशिका, जंतु कोशिका, और इसको कहते हैं पादप कोशिका। क्या बोलते हैं? पादप कोशिका। ठीक, तो आज जंतु कोशिका और पादप कोशिका की दोनों को हम साथ में लेकर चलेंगे। कौन कौन से फीचर जंतु कोशिका में होते हैं, कौन कौन से फीचर पादप कोशिका में होते हैं, दोनों को साथ में लेकर पढ़ते हैं और दोनों के क्वेश्चंस निकालेंगे। और क्वेश्चन निकाल कर मैं आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चंस जो है कैसे कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहां पर मैं एनिमल सेल बना रहा हूं। ये हुए आपके प्लांट्स। एनिमल सेल की जो कवरिंग होती है फर्स्ट वाली, उसको कहते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, ये एनिमल सेल की फर्स्ट कवरिंग है, जिसे आप जंतु कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जंतु कोशिका बोलते हैं। और ये है आपकी प्लांट सेल, इसे पादप कोशिका बोलते हैं। ठीक है, ये जंतु कोशिका और ये पादप कोशिका है। 10th क्लास में 12th क्लास में सारी चीजें आपने देखी होगी, प्लांट सेल, एनिमल सेल। बस हुबहू है, थोड़ा सा रिवीजन देख रहे हैं आप। तो ये प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल है। अब दोनों में जो इसकी आउटर कवरिंग है वो कहलाती है कोशिका झिल्ली, जिसे आप सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। और इसकी जो आउटर कवरिंग है ये वाली, इसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। इसे क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति, या इसे कहते हैं सेल वॉल, सेल वॉल। ठीक, देन इसके अंदर, इसके अंदर यहां डबल लेयर है। ये जो लेयर है, अंदर वाली जो लेयर देख रहे हैं, इसको कहते हैं कोशिका झिल्ली। ये अंदर वाली कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये सेकंड फर्स्ट लेयर है, इसकी सेकंड लेयर है। ठीक है, देन बीच में केंद्रक होता है। क्या होता है केंद्रक? ये न्यूक्लियस, इसका भी न्यूक्लियस। देखिए इसका और इसका दोनों का सेम है, इसे कहते हैं केंद्र। क्या कहते हैं? केंद्र, दैट मींस न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस। ठीक, देन यहां पर देख रहे हैं इसके आसपास ऐसी आउटर कवरिंग, ये ऐसी आउटर कवरिंग, ये ऐसी, ये ऐसी, ये ऐसी। ठीक, ये न्यूक्लियस जो है ना यहां रहकर यहां रहता है परिधि की ओर, और इसके चारों ऐसे आउटर कवरिंग, ये ऐसे आउटर कवरिंग। ठीक है, समझ में आ रहा है? देन यहां पर एनिमल सेल में देखिए और प्लांट सेल में, दोनों तरफ, सब तरफ। ठीक, सब तरफ ये कोशिका द्रव। क्या है? कोशिका द्रव, जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म, या इसे जीव द्रव के नाम से जाना जाता है। इसी खोज जो की थी डुजार्टी नाम के वैज्ञानिक जिसने इसकी खोज की थी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल ध्यान से। ये दोनों डायग्राम कंप्लीट होने के बाद एक के बाद में सारे कोशिकांगों को एक तरफ करके समझा दूंगा। क्लियर है? ये जो है ये, इसे बोलते हैं ईआर। क्या बोलते हैं? ईआर। ठीक है, ये सेम
हिंदी में बोलते हैं अंतःप्रद्रव्य, अंतःप्रद्रव्य जालिका, बिल्कुल सेम दिख रही है आपको, अंतःप्रद्रव्य जालिका। ठीक है, उसके बाद यहां ऐसी संरचना बनी हुई थी इस हिंदी में, इसको कहते हैं गॉल्जी कॉर्ड। क्या बोलते हैं? गॉल्जी कॉर्ड, गॉल्जी ऑपरेटर। ऐसी संरचना यहां पर भी बनी होगी, ये गॉल्जी कॉर्ड। ठीक है, गॉल्जी कॉर्ड क्लियर है। देन यहां पर ये ऐसे, ये ऐसे जैसे डायग्राम बना हुआ है, सेल में स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, द पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये दोनों में सेम, यहां पर और यहां पर दोनों में सेम, माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है। देन यहां पर ऐसे इस आकृति कार्टिलेज स्ट्रक्चर, इस कार्टिलेज स्ट्रक्चर ऐसे आकृति, ये इसमें नहीं पाया जाता, इसमें पाया जाता है, इसे कहते हैं ताराकार। क्या बोलते हैं? ताराकार। अब यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर एक चीज आप देख रहे हैं कि चलो माइटोकॉन्ड्रिया हम मान लेते हैं, यहां पर जो वॉक्यूल्स है रिक्तिका है इसका साइज बड़ा है, वॉक्यूल्स है रिक्तिका है इसका साइज बड़ा है, तो यहां रिक्तिका छोटी पाई जाती है, छोटी, इसे कहते हैं रिक्तिका। क्या कहते हैं? रिक्तिका, वॉक्यूल्स। ठीक है, और यह बड़ी रिक्तिका। ठीक है, देखिए यहां साइज बड़ा है और यहां साइज क्या है? बिल्कुल छोटा है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तारक काय हो गया, राइबोसोम। ठीक है, प्रोटीन की फैक्ट्री जिसे बोलते हैं हम लोग, राइबोसोम इसमें भी पाया जाएगा, राइबोसोम इसमें भी पाया जाएगा। ठीक, ये हो गया आपका राइबोसोम, राइबोसोम ने, ये भी हो गया आपका राइबोसोम। ठीक, यहां पर जो है, यहां पर प्लास्टिड नहीं पाया जाता, लवक नहीं पाया जाता, यहां पर फोटोसिंथेसिस के लिए लवक पाया जाता है, ये लवक हो गया, ये लवक, इसे आप प्लास्टिड बोलते हैं, प्लास्टिड। ठीक है, यहां लवक है, यहां लवक नहीं। अगर सोचो यदि एनिमल सेल में, एनिमल सेल में लवक होता और प्लांट सेल में भी लवक होता, वैसे प्लांट सेल में तो है ही, अगर एनिमल सेल में भी होता तो आपको हमें इतना करने की आवश्यकता ही नहीं, भोजन के लिए हम लोग भी ग्रुप में खड़े हो जाते और भोजन बन जाता। क्लियर है, मतलब आपको भी और हमें भी भोजन के लिए इतनी जरूरत नहीं करनी पड़ती कि आप यहाँ आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ सोते जागते और खाना खाने की जरूरत होती तो धूप में खड़े हो जाते, हमारे साथ प्लास्टिक नहीं पाया जाता। ये सारे कोशिकांगों को, ये सारे कोशिकांगों को मैं स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर एक और लेयर होती है, ये प्लांट में होती है, ओनली फॉर प्लांट में होती है, इसे कहते हैं मिडिल लैमिना। क्या बोलते हैं? मिडिल लैमिना, मध्य पटलिका, इसे कहते हैं मध्य पटलिका, मध्य पटलिका। ये सारी चीजें देख ली आपने, बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए, एक के बाद एक करके पूरे के पूरे कोशिकांगों को एक के बाद एक करके सारी चीजें, सारी जानकारी सुनिए। ठीक है, समझ में आया? अंतःप्रद्रव्य जालिका प्रोटेक्शन कर रहा है किसका? न्यूक्लियस का कर रहा है। क्या कर रहा है? न्यूक्लियस का कर रहा है, ये न्यूक्लियस दबो, ये न्यूक्लियस। ठीक है, कोशिका द्रव्य जिसे बोलते हैं, केंद्रक द्रव्य जिसे बोलते हैं, सॉरी। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जीव द्रव्य होता है। क्या होता है? जीव द्रव्य, जैसे प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। यहां पर भी ये सारा जीव द्रव्य, इसको भी कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, जीव द्रव्य और कुछ नहीं, जीव द्रव्य। क्लियर है, आगे बढ़े? ठीक है, ध्यान से नोट डाउन कर लें, सारी चीजें नोट डाउन कर लें, एक के बाद एक के बाद एक के बाद सारी चीजें क्लियर करते हैं। ओके, डन, बता दूं, सबसे पहले देखेंगे हम लोग सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, मिडिल लैमेला।
तीन चीजें हो जाएगी, फिर अंदर के कोशिका देखते हैं। ओके धीरे धीरे सारी चीजें कवर होगी, एकदम से नहीं होगी। आने वाले एग्जाम में आपको और भी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आप जितनी भी चीजें देखेंगे, जितनी भी चीजें देखेंगे बार बार देखने से चीजें क्लियर होती है। क्योंकि देखो आज किसी व्यक्ति का जो इस कोई व्यक्ति है जिसका विजुअलाइजेशन विजुअल पावर बहुत अच्छा है, तो चीजें देखकर याद कर लेता है। किसी में रटने की क्षमता ज्यादा होती है तो रट लेता है, किसी में पढ़ने की क्षमता ज्यादा नहीं होती बस देखते की चीजें याद कर लेता है, तो सारी चीजें विजुअलाइज होती है और हमारे माइंड में फिट होती है। सबसे पहले हम सेल का कोशिका का सबसे बाहरी भाग देखेंगे, जिसे आप कहते हैं, जैसे सब कहते हैं क्या है ये कोशिका भित्ति, सेल कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। ओके जिसे आप सेल वॉल बोलते हैं, क्या बोलते हैं सेल वॉल, क्लियर है। तो सेल वॉल तो है, सबसे पहला क्वेश्चन आएगा क्या सेल वॉल एनिमल सेल का फीचर है, तो बिल्कुल नहीं। तो यह सबसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा, यह पादप कोशिका में पाया जाता है, यह प्लांट सेल में पाया जाता है, ओनली फॉर प्लांट सेल में पाया जाता है, ओनली फॉर प्लांट सेल में पाया जाता है, ये फीचर ही है प्लांट सेल का, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। सॉरी, ये ओनली फॉर प्लांट सेल में पाया जाता है। पहला क्वेश्चन यहां से होगा कि एनिमल सेल का फीचर है, प्लांट सेल का फीचर है, तो ओनली फॉर प्लांट सेल का फीचर। दूसरा यहां से क्वेश्चन जनरेट होगा, इसी कवरिंग से दूसरा यहां से क्वेश्चन जनरेट होगा कि ये कवरिंग किसकी बनी होती है। तो ये जो कोशिका भित्ति देख रहे हैं ये सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, किसकी बनी होती है सेलुलोज। सेलुलोज क्या है, सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट भी कौन सा कार्बोहाइड्रेट, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सेलुलोज जो है एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट भी कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, तो एक होता है कौन, कार्बोहाइड्रेट वैसे भी तीन टाइप से होते हैं, अभी आने वाली कक्षा में न्यूट्रिशन में सारी चीजें क्लियर करूंगा, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं, वसा क्या होती है, सारी चीजें क्लियर करेंगे। तो वर्तमान में हम देखेंगे जैसे कार्बोहाइड्रेट जो है तीन प्रकार के होते हैं, पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड, ठीक है। पहली होती है मोनो, दूसरी होती है पॉली और तीसरी होती है डाई, डाई को दूसरे नंबर पर लिया जाता है। तो यहां पर जो सेलुलोज देखते हैं, ये सेलुलोज देखते हैं, ये कौन सा सेकेराइड, पॉलीसेकेराइड है, डाइसेकेराइड है, मोनोसेकेराइड है। तो एक लग शर्करा से मिलकर बना है सेलुलोज, या बहुलक शर्करा से मिलकर बना हुआ है, या द्विलक शर्करा से मिलकर बना हुआ, किससे मिलकर बना हुआ, तो ये है पॉलीसेकेराइड। कौन सा सेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड, क्वेश्चन पूछा जाता है पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, क्लियर है क्लियर, पॉलीसेकेराइड। तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो पॉलीसेकेराइड। दूसरी चीज कि प्लांट का कौन सा भाग कठोर होता है, तो प्लांट का जो बाहरी कवरिंग है कोशिका भित्ति जो है कठोर होती है, क्या होती है, कठोर होती है। कठोर क्यों होती है, क्योंकि सेलुलोज में एक पदार्थ होता है जिसका नाम है लिग्निन। क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से भी लिग्निन एक भाग है, एक पदार्थ होता है इसमें, इसे बोला जाता है लिग्निन, जो इसे सबसे ज्यादा कठोरता प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है, कठोरता प्रदान करता है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। इसके बाद ये कोशिका का मृत भाग होता है, सेलुलोज जो है कोशिका का मृत भाग होता है, कोशिका का मृत भाग होता है, कौन सा भाग होता है, मृत भाग होता है, डेड, इसमें सेल जो होती है डेड होती है, क्लियर के लिए क्लियर, कौन सा भाग होता है, मृत भाग होता है। देन इसके बाद पूछा जाता है इसकी खोज किसने की है, इसकी खोज किसने की है, तो इसकी खोज जो की है रॉबर्ट हुक ने की है, ठीक है। तो बोल देखा है इसकी खोज किसने की है, डिस्कवर बाय सेल, उसकी खोज जो की है रॉबर्ट हुक ने की, किसने की है, रॉबर्ट हुक ने की, कब की है, 1665 में की, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चन जो है इसी टॉपिक से, इसी सेल वॉल से पूछे जाते हैं, तो पूछा सबसे पहला तो यही जाएगा कौन सी कवरिंग है, ये प्लांट सेल की पहली कवरिंग, कौन सी कवरिंग है, पहली कवरिंग है। किसमें पाई जाती है, तो प्लांट सेल में पाई जाती है, एनिमल सेल में पाई जाती है, एनिमल सेल में नहीं पाई जाती,
किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में कौन सा कार्बोहाइड्रेट? पॉलीसेकेराइड। कौन सा सेकेराइड है? पॉलीसेकेराइड। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और इसमें कठोरता का रीजन क्या है? ये डेड होती है, इसमें कठोरता का रीजन क्या है? लिग्निन नामक पदार्थ। कौन सा पदार्थ है? लिग्निन नामक पदार्थ। क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ में आया आपको कि नहीं आया? ठीक है, देन हम अगला देखते हैं। क्या करते हैं? अगला देखते हैं। ठीक, दूसरा, इसमें दूसरा जो फीचर है वो आता है क्या? ये वाला जो फीचर है, ये आंतरिक कवरिंग है, इसको क्या कहते हैं? ये आंतरिक कवरिंग है, इसको क्या कहते हैं? इस आंतरिक कवरिंग को कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। और यही कोशिका झिल्ली प्लांट सेल में भी होती है और एनिमल सेल में भी होती है। क्या होती है? प्लांट सेल में भी होती है और एनिमल सेल में भी होती है। क्यों? प्लांट सेल में भी होती है और एनिमल सेल में भी होती है। क्लियर है? अब प्लांट सेल और एनिमल सेल, अभी मैंने एनिमल सेल बनाई थी, अभी मैंने क्या बनाई थी? एनिमल सेल बनाई थी। तो एनिमल सेल में मैंने ओनली फॉर ये वाली कवरिंग बनाई, ये वाली कवरिंग बनाई क्या? नहीं बनाई। सिर्फ और सिर्फ ये प्लांट सेल में होती है और ये एनिमल में होती है। एनिमल में दोनों होती है, सॉरी, प्लांट में दोनों होती है, एनिमल में एक होती है। सिंगल लेयर जो होती है, फर्स्ट वन लेयर होती है, उसे कोशिका झिल्ली बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। सारी चीजें क्लियर है? इन सारे क्वेश्चन जो है, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और कुछ पूछने की संभावना है, इसीलिए आप ध्यान रखना है, ये सारी चीजें आपको बननी चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें एक एक करके सारी चीजें क्लियर होगी। बिल्कुल ऐसा नहीं कि आप एक कोशिका को बराबर पढ़ाओ, पढ़ लें दूसरा पढ़ लें, आपको समय देना पड़ेगा, समय के साथ ही चीजें क्लियर होगी। अब देखिए, इसकी सेकंड लेयर क्या है? इसकी सेकंड लेयर क्या है? इसकी सेकंड लेयर है कोशिका झिल्ली। क्या है? कोशिका झिल्ली। ठीक, अब ये कोशिका झिल्ली जो है ना, इसे आप सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ये कहां कहां पाई जाती है? तो ये प्लांट सेल में पाई जाती है, एनिमल सेल में। तो सबसे पहले जंतु कोशिका की पहली झिल्ली, जंतु कोशिका की पहली झिल्ली, और पादप कोशिका की सेकंड लेयर, और पादप कोशिका की दूसरी लेयर, दूसरी झिल्ली। ठीक, देख रहे हैं आप प्लांट में अंदर अभी दूसरी होती। क्लियर? मतलब सिंपल सी बात है, जंतु कोशिका में पहली और पादप कोशिका में दूसरी लेयर। क्या है? दूसरी लेयर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब ये क्या काम करती है? तो पहली बात तो प्रोटेक्शन देती है। दूसरी चीज यहाँ पर आप देख रहे हैं सेकंड लेयर। क्या है? सेकंड लेयर। ये जो भी चीजें अंदर से बाहर और बाहर से अंदर, किसी भी चीज को, शरीर से किसी भी चीज को, अगर हमारे अंदर है, शरीर में किसी भी चीज को अंदर से बाहर तो आने देगी, लेकिन बाहर से अंदर जाने नहीं देगी। क्या नहीं करने देगी? अंदर से बाहर जो है करने जाने देगी, लेकिन बाहर से अंदर नहीं जाने देगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आया था? क्लियर है? अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कोशिका झिल्ली है किसकी बनी होती है? कोशिका झिल्ली जो है किसकी बनी होती है और कैसी होती है? ये होती है अर्धपारगम। कैसी होती है? अर्धपारगम। कैसी होती है? अर्धपारगम। सेमी परमीएबल होती है। कैसी होती है? सेमी परमीएबल। ठीक है, अर्धपारगम। क्लियर है कि क्लियर है? और ये कोशिका भित्ति कैसी है? तो कोशिका भित्ति होती है पारगम। कैसी होती है? पारगम। ये होती है परमीएबल और ये होती है सेमी परमीएबल। क्या होती है? सेमी परमीएबल और ये होती है परमीएबल। क्वेश्चन यहां से भी पूछा जाता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? दूसरी चीज पूछा जाता है आपसे, कोशिका झिल्ली बनी किसकी होती है? तो प्रोटीन और फास्फोलिपिड की बनी। किसकी बनी होती है? प्रोटीन और फास्फोलिपिड की बनी होती है। यहां से पहला सा क्वेश्चन बन जाता है कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो कोशिका झिल्ली जो है प्रोटीन व फास्फोलिपिड की बनी होती है। ठीक है, प्रोटीन प्लस फास्फोलिपिड जो है कंबाइंड प्रोसेस में मिला होता है और ये इसी की बनी होती है। ओके, डन। समझ में आया? देखो फिर से देख लीजिए एक बार। जब कोशिका झिल्ली देख रहे हैं हम लोग, सेकेंड लेयर है इसकी और एनिमल सेल की फर्स्ट लेयर है।
क्लियर है। और जंतु कोशिका की पहली है और पादप कोशिका की दूसरी। बनी किसकी होती है? तो भैया ये बनी होती है प्रोटीन और फास्फोलिपिड की बनी होती है। और कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। ये कैसी है? तो सेमी परमियेबल है। मतलब हमारे अंदर से बहुत सी चीजें बाहर आती है, जैसे पसीना आता है, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे पसीना है, यूरिया जो है यूरिया फॉर्म में निकलता है, पसीने के फॉर्म में निकलता है। दूसरी चीज अंदर से जो है बाहर आने देती है लेकिन बाहर से अंदर जाने नहीं देती। मतलब वो कैसी है? सेमी परमियेबल है। कैसी है? सेमी परमियेबल। क्लियर है? हमारे समझ में आई आपको? मतलब आप कोशिकांग देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? कोशिकांग देख रहे हैं। यहाँ तक कहानी समझ में आई आपको? पहले आप पूरा डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बनाकर उसे समझेंगे, देखेंगे कौन सा ऑर्गन किसमें है, कौन सा ऑर्गन किसमें नहीं है। मतलब कौन सी, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया जो है यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग। लेकिन अगर पादप कोशिका की बात करें यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया है, जंतु कोशिका में बात करें माइटोकॉन्ड्रिया है। लेकिन जंतु कोशिका में आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर एक ऐसी संरचना मिलेगी, ऐसे सेंट्रोसोम जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम जिसे बोलते हैं, तारक का जिसे बोलते हैं। तारक का पाया जाएगा लेकिन तारक का यहाँ नहीं पाया जाएगा। दूसरी चीज, यहाँ प्लास्टिड होगा, प्लांट सेल में प्लास्टिड होगा लेकिन एनिमल सेल में प्लास्टिड होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। क्लियर है? ये समझ में आ रही है आपको? बार बार आप वीडियो को देखें, रिपीट करके देखें, तो चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। ओके, आगे बढ़े। अब अगला क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछा जाता है? अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा आपसे कि कोशिका झिल्ली में, कोशिका झिल्ली में अगला क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली की संरचना जो है, कोशिका झिल्ली की संरचना, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली की संरचना, संरचना का सर्वमान्य मॉडल, सर्वमान्य, सर्वमान्य मॉडल जो है, मॉडल जो है किसने प्रस्तुत किया, किसने प्रसिद्ध किया? यह ऐसे क्वेश्चन हिंदी में, अगर इंग्लिश में बोले तो बोलते हैं मोस्ट वैलिड फ्यूल मोज़ेक मॉडल, ऐसे बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, तरल मोज़ेक मॉडल किसने प्रस्तुत किया? ठीक है, सर्वमान्य मॉडल जो है, सर्वमान्य मॉडल है तरल मोज़ेक, मोज़ेक मॉडल, सर्वमान्य मॉडल जो है तरल मोज़ेक मॉडल किसने प्रस्तुत किया? तो ये प्रस्तुत किया है दो वैज्ञानिकों, किसने? दो वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किया है, सिंगर और निकल्सन ने 1972 में, सिंगर एवं निकल्सन ने 1972 में जो है एक मॉडल प्रस्तुत किया, जैसे कहते हैं तरल मोज़ेक मॉडल। क्या बोलते हैं? तरल मोज़ेक मॉडल, फ्यूल मोज़ेक मॉडल बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब ये मॉडल जो था कुछ इस टाइप से, उस पर जो है ऐसी लेयर थी। तो यहां पर आप जो देख रहे हैं ना, ये जो लेयर देख रहे हैं, ये लेयर देख रहे हैं, ये लिपिड की लेयर थी। इसकी लेयर थी लिपिड, जिसे वसा कहते हैं। क्या कहते हैं? वसा कहते हैं। और इसके अंदर प्रत्येक भाग में प्रोटीन बिखरा था। क्या था? प्रोटीन बिखरा, प्रोटीन बिखरा है। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है सैंडविच मॉडल, क्या है? सैंडविच मॉडल किसे कहा जाता है या किसने प्रस्तुत किया, इसी को बोलते हैं सैंडविच मॉडल, सैंडविच, सैंडविच मॉडल। अब देख रहे हैं दो डबल रोटी के ऊपर एक रखी हुई है और बीच में प्रोटीन बिखरी हुई है, उसमें डाल देते हैं वो लोग, क्या बोलते हैं, महंगा डाल देते हैं थोड़ा थोड़ा करके। आपने खाए होगा बर्गर वगैरह, तो सारी चीजें देखते हैं आप लोग, दो ब्रेड को ऊपर, डबल रोटी को ऊपर रखकर बना देते हैं ना, तो उसी को बोलते हैं सैंडविच मॉडल। क्या बोलते हैं? सैंडविच मॉडल। तो सैंडविच मॉडल किसने दिया? तो सिंगर और निकल्सन ने दिया। कब दिया? सिंगर और निकल्सन ने, तो सिंगर और निकल्सन ने दिया इसको 1972 में। कब दिया? 1972 में। देखिए फिर बताता हूँ आपको, क्योंकि देखो यहाँ पर जो है ये साइंस है, साइंस में ज्यादा से ज्यादा जो सन जो होते हैं उनको नहीं पूछा जाता। वैसे पूछा जाता है तो कहाँ पूछा जाता है? हिस्ट्री में ज्यादा, हिस्ट्री में ज्यादा सन होते हैं, लेकिन फिर भी अगर पूछे तो आपको चीजें बननी चाहिए। ओके, क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? बढ़े आगे, फिर से देख लीजिए आप लोग एक बार। ठीक, तो हमने दो तीन चीजें देखी है, कितनी चीजें देखी है? दो तीन चीजें देखी है। ओके, बढ़े आगे। अब यहां पर एक और लेयर होती है, वो प्लांट सेल में होती है। कहां होती है? प्लांट सेल में होती है। प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में होती है। कहां होती है? प्लांट सेल में होती है। जैसे कि ये देखिए, ये होती है, इसे कहते हैं मिडिल लैमेला। क्या बोलते हैं? मिडिल लैमेला। दो परतों को आपस में जोड़ने का काम करती है ये दो परत हो गए, ठीक है, इसे कहते हैं मध्य पट्टिका। क्या बोलते हैं? मध्य पट्टिका। बहुत कम किताबों में देखने को मिलेगा ये मिडिल लैमेला, ठीक है, लेकिन फिर मैं बता देता हूँ। उसे क्वेश्चन आते हैं आने वाले समय में, बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसे SSC है, GD है, और अभी
आपका एनटीपीसी चल रहा है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। इसमें देखिए मिडिल लैमेला, इसको क्या कहते हैं मध्य पटलिका, मिडिल लैमेला, ठीक है, मध्य पटलिका होती क्या है। तो ये मध्य पटलिका जो है ना प्लांट सेल का फीचर, और प्लांट सेल में कौन सी लेयर है, तो प्लांट सेल में सेकंड लेयर है, कौन सी लेयर है, प्लांट सेल में सेकंड लेयर है ना, दूसरी परत है, ठीक है। दो परतों को जोड़ने का काम कर रही है, क्या कर रही है, दो परतों को जोड़ने का काम कर रही है, क्लियर है कि नहीं क्लियर। अब इसे बहुत प्यार से क्वेश्चन बनता है कि पादप जगत का सीमेंट किसे कहते हैं, ठीक है, दो परतों को जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है, इसको कहते हैं पादप जगत का सीमेंट, क्या बोलते हैं, पादप जगत का सीमेंट कहते हैं, मिडिल लैमेला क्या कहते हैं, पादप जगत का सीमेंट बोलते हैं। आई कहानी समझ में आपको, कैसे बिक रही है, जोड़ने का काम कर रही है, ठीक है। अब पादप जगत का क्या बोलते हैं, सीमेंट कहते हैं, और जोड़ने का काम कौन करता है, तो जोड़ने का काम करता है कैल्शियम पेप्टोड, क्या करता है, कैल्शियम पेप्टोड जो होता है वो जोड़ने का काम करता है, कैल्शियम पेप्टोड इसे जोड़ने का काम करता है, और इसे वो कहता है पादप जगत का सीमेंट, क्या कहते हैं, पादप जगत का सीमेंट। अब यहां से प्यारा सा क्वेश्चन बन जाता है, बनता है कि जो कच्चे फल होते हैं, ठीक है, जो कच्चे फल होते हैं उनकी कठोरता का क्या कारण है, तो उनकी कठोरता का कारण है कैल्शियम पेप्टोड, कैल्शियम पेप्टोड के कारण वो कठोर होते हैं, क्या होते हैं, कठोर होते हैं। फलों का गुदेदार भाग जो कठोर होता है किसके कारण होता है, कैल्शियम पेप्टोड के कारण होता है। जब वो पक जाता है तो कैल्शियम पेप्टोड की मात्रा कमजोर होने लग जाती है, और जब कैल्शियम पेप्टोड की मात्रा कमजोर होने लग जाती है तो आम लसलसा हो जाता है, आम लसलसा हो जाता है, क्या होता है, लसलसा हो जाता है। लेकिन कठोर किसके कारण है, कैल्शियम पेप्टोड के ही कारण है, क्लियर। या मिडिल लैमेला का काम, किसका काम है, मिडिल लैमेला, ये किसमें पाई जाती है, मिडिल लैमेला, तो ओनली फॉर प्लांट सेल का फीचर, किसका फीचर है, प्लांट सेल का फीचर। आपने देखा होगा कृत्रिम रूप से फलों को पकाया जाता है, तो पकाने के लिए कार्बन का प्रयोग करते हैं आप लोग, ठीक है, एथिलीन जो गैस होती है उसका प्रयोग करते हैं, नेचुरल होता है, एक प्रकार से नेचुरल है, लेकिन